हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी, जी हाँ, ब्लॉक एजुकेशन अफसर का जो भर्ती आपकी आई हुई थी, परीक्षा आपकी प्रस्तावित थी 22 मार्च 2020 को, यानी आज आपका 17 तारीख है और जस्ट 5 से 6 दिन और बचे हुए थे आपके एग्जाम को लेकर के। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है मित्रों, जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है और आगामी आने वाले 2 अप्रैल तक सभी, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर अकेडमिक परीक्षा हो, इन सब चीज़ों को लेकर के उसको रद्दीकरण की जो है सूचना जारी कर दी है। एक महत्वपूर्ण खबर आई है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साइट पर बहुत ही जल्द इसका नोटिस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण खबर, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचना जरूरी था मित्रों। अब आपका खंड शिक्षा अधिकारी का जो पेपर 22 मार्च को होना था, इसके संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार धरना भी किया जा रहा था आयोग पर कि ये परीक्षा स्थगित किया जाए, पोस्टपोन किया जाए। अब कहीं ना कहीं अब लोक सेवा आयोग को इसके संबंध में नोटिस जारी करना होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 लाख का अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में इनकी जो है एकत्रित होते, तो कहीं ना कहीं इससे जो है एक जो है इसको और मजबूती मिलती कोविड-19 को। लेकिन अब उसको, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये महामारी घोषित कर दी गई है, ये जो विषाणु कोरोना वायरस है इसको लेकर के, तो जितना भी सरकार चाहती है कि कितनी भी कोशिश कर लिया जाए और इसको बीमारी से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। तो एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, इसी को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षाएँ स्थगित की गई हैं मित्रों। इसके सामने बहुत जल्द ही आप लोगों को नोटिस देखने को मिलेगा UP SSC, जी हाँ, UPSC के साइड में मित्रों। तो आप लोग बिल्कुल, क्योंकि आप जैसा जानते हैं UPSSC की जो परीक्षा थी कल उसके संबंध में भी नोटिस जारी किया गया था, जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग को लेकर के वो पोस्टपोन कर दिया गया था। अब आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी खबर है कि ये भी परीक्षा आपकी पोस्टपोन कर दी जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण खबर थी, आप तक पहुँचना जरूरी था मित्रों। राहुल वाईफाई स्टेशन के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है, तो ज़रूर इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।